उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक ट्रोला, सीआरपीएफ का ट्रक और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रोला सीआरपीएफ की गाड़ी से टकराकर एक कार से जा टकराया, जिससे तीनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि सीआरपीएफ की गाड़ी पुलिया से नीचे जा गिरी। वहीं कार में बैठे दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके बाद ट्रोला सड़क पर पलट गया, जिसमें आग लगने से वो पूरी तरह से खाक हो गया। इसके साथ सीआरपीएफ के दो जवानों और एक ट्रोले ड्राइवर की भी मौत हो गई। तीन गाड़ियों के बीच हुई इस टक्कर के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार और ट्रक में फंसे लोगों को बचाने की भी कोशिश की गई। डिप्टी सीओ सुनील शर्मा सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए उन्हें मोर्चरी में रखवाया गया।